हेलो गाइस, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी एक्चुअली जो रिएक्शन है वो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। अभी हमने एक फिंकेस्टाइन रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने हैलाइड एक्सचेंज देखा था कि कोई भी हेलोजन का कंपाउंड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आयोडो में। ऐसे ही इस रिएक्शन में हम जो करेंगे कन्वर्जन, वो अदर हैलाइड से फ्लोरिन में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जनरली हम फ्लोरीन के कंपाउंड बना नहीं पाते, एल्केन बना नहीं पाते, तो इस रिएक्शन से हम वो भी कंपाउंड बनाना हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो SN2 मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़िएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। तो SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, दो रिएक्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे इसमें एक्सचेंज होगा, कौन से रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे, कौन से कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास हैलाइड है, किसी भी हेलोजन का एल्केन होगा हमारे पास। उसी एल्केन की जब हम रिएक्शन कराएं किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड के साथ, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं? तो सिल्वर फ्लोराइड है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है, कोबाल्ट डाई फ्लोराइड है। ये सारे के सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड है। इनका जब हम यूज करते हैं तो ये हमको क्या करते हैं? एफ निगेटिव आयन प्रोवाइड कराता है। और यही एफ निगेटिव आयन क्या करेगा? इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा और इस हेलोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। अब एक्चुअली ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें जो भी हैलाइड का सॉल्ट बन रहा है, या यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर हैलाइड बनेगा या फिर मर्क्यूरस हैलाइड बनेगा, तो ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट फॉर्म में आते हैं। और प्रेसिपिटेट फॉर्म में हम इनको क्या कर देते हैं? रिएक्शन से हटा देते हैं। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन क्या रहती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती रहती है। ठीक है, तो इस बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारी इस रिएक्शन में मेन जो काम है वो ये याद रखना है कि कौन कौन से हम रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो तीन रिएजेंट हमारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए, एक सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड। दूसरा, इस रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में कोई भी हेलो एल्केन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्लोरो में, फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्चुअली ये थोड़ी सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है जनरली, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण या फिर वायलेंट नेचर होने के कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती तो है लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाती। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम इनकी एनर्जी को। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये एक हमको एल्केन का, फ्लोरीन का प्रोडक्ट हमको देती है। ठीक, तो इसके मेन जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आपको समझ में आ गए होंगे कि फ्लोरीन बनेगा फ्लोरो एल्केन, दूसरा ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू इसमें से क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर का, मर्क्यूरी का या कोबाल्ट का, उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो इसी में हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। जैसे मेरे को एक क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, इस क्लोरोप्रोपेन को अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्लोरो, देखो इसका जो फ्लोरीन है, सिल्वर के साथ जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे अटैक करके इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा? सिल्वर के साथ जाके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, और हमारे को क्या मिल जाएगा? फ्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ये फ्लोरीन का जो एफ नेगेटिव है ये पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करने के बाद जैसे जैसे ये इसके साथ जुड़ता जाएगा फ्लोरीन को यहाँ से अलग होना पड़ेगा, और यही फ्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ेगी और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड बन जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।